नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल बैंक एंड डेटा हाउस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूं जो कि जॉब रिलेटेड है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा क्लर्क ज्वाइंट हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20-25 दिन ही हुए हैं मेरी जॉब को। तो उस जॉब के एक्सपीरियंसेस को, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 25 दिन में, क्या क्या डिफ़िकल्टी आई, कैसे मैंने मैनेज किया फूड, ट्रैवलिंग, हाउसिंग और जॉब कैसा चल रहा है, इन सभी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 31 जुलाई वो दिन था जिस दिन पहला दिन था मेरा ब्रांच में विजिट करने का। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि 31 जुलाई को मुझे पता लगा कि मुझे एक लोकल एरिया ब्रांच जो है, लोकल ब्रांच जो है, अलॉट किया गया है और मुझे वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट डे था, बहुत एक्साइटेड था मैं, तैयार होके फॉर्मल कपड़ों में जूते, शर्ट एंड पैंट डाल के मैं चला गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो 9:15 के आसपास हो चुके थे। मुझे बताया गया था कि 10 बजे ब्रांच खुलेगी, बट एक्चुअली में ब्रांच 9 बजे थी। तो जब मैं पहुंचा तो एटलीस्ट सब लोग आ चुके थे और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो मैं गया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद आपसे बीएम सर आगे बात करेंगे, बिकॉज उस टाइम बीएम आए नहीं थे। तो कुछ देर के बाद बीएम आए, उन्होंने मुझे मेरे मिले और सबसे इंट्रोडक्शन कराया बारी बारी। तो मैं आपको बता दूँ, जिस ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे 7 तो क्लर्क है, 1 स्केल 2 ऑफिसर है और 1 स्केल 3 ऑफिसर है। हमारा जो ब्रांच है वो 1 स्केल 3 ब्रांच है, काफ़ी अच्छा है, लोकल एरिया ब्रांच है, सब लोग काफ़ी अच्छे हैं, सब लोग काफ़ी काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड हैं और काफ़ी मिलजुल के काम भी करते हैं। तो पहला दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक तो नया था, ऊपर से थोड़ा साई फील कर रहा था, थोड़ा डरा हुआ था कि क्या होने वाला है, क्या होगा, बट अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि जो भी मैंने अपना एफर्ट लगाया है वो बैंकिंग के लिए लगाया है। ऑल आई वॉन्ट टू बिकम इज़ अ बैंकर, और वो आज मैं हूँ। चाहे वो क्लर्क ही क्यों नहीं है, आगे फ्यूचर में उसको हम इंक्रीज करेंगे और मेहनत करेंगे, बट कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो चीज़ मैंने सोची वो एक ही चीज़ थी, बैंकिंग, और उसके लिए मैं प्रिपरेशन किया और फाइनली आज मैं बैंक में हूँ। तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, जो कि मेरे अपने हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरू से बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पहला दिन का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तो पहला दिन था, मैं किसी को जानता नहीं था, काफ़ी थोड़ा डरा हुआ था कि क्या होने वाला है, क्या काम मुझे देने वाले हैं, क्या लोग बोलेंगे। बट द मोमेंट जब मेरा सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेरा वेलकम किया, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गया और काफ़ी अच्छा लगने लगा। उसके बाद 3-4 दिन बीतने के बाद जो है मेरा सबसे थोड़ा सा बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, मैं काम जो थोड़ा सीखने लग गया। काम क्या था? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मुझे काम मिला क्या है। तो मेरे को जो काम मिला है वो है अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, योनो से रिलेटेड एंड अकाउंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड। मुझे एक डेस्क दिया गया है जहाँ पे मुझे अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग एंड उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मुझे देखना है। तो पहले तो मुझे एक हफ्ता बहुत डिफ़िकल्टी फेस हुई, बिकॉज मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, बट वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प किया, मुझे हर चीज़ में समझाते थे, बताते थे, और वही मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे काम को करना है। सब कुछ मैंने डायरी में नोट किया और फिर जो है थोड़ा थोड़ा वर्क लाइफ जो है थोड़ा थोड़ा आसान होने लग गया। अभी पूरा आसान नहीं हुआ है, बिकॉज आई एम स्टिल इन लर्निंग मोड। एटलीस्ट 1.5 साल तक तो ऐसे चलने वाला है, क्योंकि बैंकिंग में करने के लिए बहुत कुछ होता है, बस आप करने वाले होने चाहिए, आप सीखने वाले होने चाहिए और आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए करने का। हम सबको मालूम है, सब लोग कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि बैंकिंग की जॉब जो है बहुत टफ होती है। मैं मानता हूँ कि बैंकिंग की जॉब बहुत टफ होती है, बट उसके साथ क्या आप सोचिए ना, अगर आप 2 साल किसी चीज़ को दे रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, 3 साल दे रहे हैं, इसका मतलब आप वो चाहते हैं करना। तो जब आप उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप उसको एंजॉय क्यों नहीं करते? द फैक्ट, अगर हम उसको एंजॉय करेंगे, काम को काम की तरह ना लेकर हम एक पैशन की तरह करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं अपने लिए बताऊँ तो मैं जितनी सैलरी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क मुझे मिल रही है, उसका 1.5 गुना मैं घर पे बैठ के कमा रहा था। तो यहाँ पे पैसों की बात तो थी, लेकिन पैसों की बात से अलावा आपके पैशन की भी बात होती है, आपके कैरियर की भी बात होती है। आप सबको मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक काफ़ी अच्छा बैंक है, वन ऑफ द प्रीमियर बैंक ऑफ इंडिया,
और इस टाइम पे एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है। इवन मैं ऐसे लोगों से भी मिला इन दिनों में जो क्लर्क से स्केल 3 पे पहुंच गए हैं और आज BM है, स्केल 4 में है, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे जिस मर्जी बैंक के लिए, अपनी लगन रखिए, अपना पैशन जो है बरकरार रखिए, तभी मज़ा आएगा काम करने के लिए। तो ये तो रहा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। वर्क एक्सपीरियंस अभी तक कुछ खास है नहीं, बट जो भी कर रहा हूँ मैं काफ़ी मज़ा आता है। कई लोग पूछ रहे थे सर कि आप ट्रैवलिंग कैसे मैनेज करते। देखो मैं अभी जो है मलाड के आसपास रह रहा हूँ, उधर मुझे SBI ने एक हॉस्टल टाइप जिसको यहाँ पे चमेच बोलते हैं वो अलॉट किया, जहाँ पे एक रूम में 4 लोग रहते हैं। तो वहाँ पे शेयरिंग रूम हमें SBI के द्वारा ही अलॉट किया गया है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबको मिले, अगर खाली रहता है तो दे विल अलॉट, अगर खाली नहीं रहता है तो आपको कुछ टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों को मिलने में। बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये मिल गया, बिकॉज कोरोना टाइम पे बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो उन लोगों ने हमें एक हॉस्टल टाइप प्रोवाइड किया जहाँ पे फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ, और रहने का कॉस्ट कुछ भी नहीं लगता है, SBI हमसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अगर बात फूड की करें तो फूड के लिए नीचे एक केयर टेकर है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, 70 रुपीज़ पर फूड के हिसाब से। मतलब अगर आप दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं तो 70-140 रुपीज़ उसको दे जाता है। तो वो भी ठीक है, खाने का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ट्रैवलिंग की बात करूँ तो जहाँ पे मैं एक्चुअली मैं रह रहा हूँ वहाँ से 25-26 किलोमीटर दूर है मेरा ऑफिस, तो वहाँ पे जाने में 1 घंटा लगता है लोकल से, या लोकल इज़ वेरी चीप, 20 रुपये में रिटर्न टिकट मिलती है, या फिर आप महीने का पास बनवा के भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रैवलिंग का भी शॉर्ट है, फूड का भी शॉर्ट है, रहने का भी शॉर्ट आउट हो चुका है, सब कुछ वेल चल रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, जिसके लिए प्रिपेयर किया था वही कर रहा हूँ। और बैंकिंग के लिए मैं एक अलग से ही मेरा पैशन रहा है, एक पैशनेट रहा हूँ मैं, और मैं हमेशा से ये करना चाहता था। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ और काम कर रहा हूँ। वर्कलोड डेफिनेटली काफ़ी हाई होता है, बट यू हैव टू परफॉर्म, आपको सीखना पड़ेगा कि हमें मैनेज कैसे करना है, हमें कैसे सर्वाइव करना है और साथ साथ खुश रहना है। अगर आप काम करके खुश नहीं है फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक दिन तो करना नहीं है, 2 दिन तो करना नहीं है, आपको लाइफ टाइम करना है अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस पिछले 1 महीने का काफ़ी अच्छा रहा है। मैं आपको बता दूं इनके साथ साथ कि मेरा वर्क प्रेशर भी उतना ही है, काम बहुत है, लेकिन मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ। इवन मुझे संडे भी बुलाया गया था, मैं संडे को भी गया था, मैंने मना नहीं किया था, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप बैंकिंग में आना चाहते हैं, एक पैशन से काम करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी इस वीडियो के लिए उतना ही एक्साइटेड थे जितना मैं था, और जो भी मुझे अच्छा लगा इस वीडियो में शेयर करना मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कुछ भी पूछिए, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि सैलरी, फर्स्ट सैलरी स्लिप जनरेट हो चुकी है, अभी आई नहीं है, 25 को सैलरी क्रेडिट होती है, लेकिन सैलरी स्लिप जनरेट हो गई है। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि कौन कौन से अलाउंसेस हमें मुझे मिले हैं एज अ फर्स्ट सैलरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यू ज्वाइनिंग के लिए पहला सैलरी। तो या आई एम एंजॉइंग माई जॉब एंड मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे दोस्त भी मिल गए हैं कुछ दिनों में और उनके साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोग भी उतनी ही शिद्दत के साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, और अगर बैंकिंग में आना चाहते हैं तो काम करने के लिए रेडी हो जाइए, और थोड़ा पैशनेट रहिए, थोड़ा खुश रहिए, कुछ भी करते हैं उसमें अगर खुश रहेंगे ना हम तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करना पड़ेगा, फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ दिनों के बाद दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बैंक एंड इडा हाउस, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।